हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा अलायंस। शिक्षा अलायंस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत वो उच्च न्यायालय को देखेंगे। और पिछले कुछ लेक्चर में हमने उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान है वो देख लिए थे, और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। और उनसे संबंधित अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर करें। और आज हम भारतीय संविधान के तहत है वो उच्च न्यायालय के कुछ और प्रावधान देखेंगे कि जो उच्च न्यायालय से संबंधित और प्रावधान कौन से हैं और उनका है वो संविधान में क्या उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बार हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय। और इसमें अगर पूछा जाए भाग कौन सा है तो भाग 6, ठीक है। और वैसे यूनिट पूछी नहीं जाएगी, लेकिन यूनिट फिर भी ध्यान रखना, यूनिट 5, ठीक है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद यहाँ पर हो जाएगा 214 से 232 के बीच, 214 से 232 के बीच में, ठीक है। तो इनके मत यह है वो उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी प्रावधान है उनके बारे में वर्णन किया गया। और हमने यहाँ पे देखा था कि 214 के तहत है वो, तो प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होगा, ठीक है, प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होगा। और इसमें रिलैक्सेशन है वो आर्टिकल 231 के तहत है वो दी गई थी कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उच्च न्यायालय की भी आप स्थापना कर सकते हैं, तो वो चीज़ है वो आर्टिकल 231 के तहत है वो दी गई थी। और आज हम बेसिकली बात करेंगे, हमने वो पेंशन तक है वो आर्टिकल 221 तक है हमने कर दिया था, जिसमें कि 221 में वो न्यायाधीशों के वेतन भत्तों संबंधित, यानी उनको जो है वो वेतन भत्ते प्रदान किए जाते हैं और पेंशन प्रदान की जाती है उनसे संबंधित देखा था। उनमें से एक पॉइंट है हल्का देख लेते हैं हम, जो कि इम्पोर्टेंट है, वेतन भत्ते, ठीक है, वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। अब बात की जाए पेंशन, ठीक है, तो पेंशन में है वो ध्यान में रखना है, भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, ठीक है। तो यहाँ पे वेतन भत्तों का ध्यान रखना है, वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्तों का तो आ जाएगा राज्य की संचित निधि से, और पेंशन की बात की जाए तो भारत की संचित निधि से वो पेंशन दी जाती है, चीज़ का है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम सोचते हैं कि जब वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिया जाता है तो पेंशन भी संचित निधि से दी जाती है, और कुछ एग्जाम्स में ही पेंशन से रिलेटेड है क्वेश्चन पूछा गया, तो इस चीज़ का है बेसिकली ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 222 की 222 के तहत है वो क्या वर्णन किया गया, और ये महत्वपूर्ण है। इसमें है वो न्यायाधीशों के स्थानांतरण, ठीक है, ट्रांसफर का प्रावधान, ठीक है, यानी जजों का है वो ट्रांसफर कैसे होगा उससे संबंधित है वो प्रावधान है, ठीक है। तो ये जो प्रावधान करता कौन है, तो इसमें होगा CGI, ठीक है, CGI प्लस राष्ट्रपति, CGI प्लस राष्ट्रपति, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJ होते हैं उनके परामर्श से वो राष्ट्रपति स्थानांतरण करते हैं जजों का। तो इसमें है वो प्रोसेस क्या होता है कि कैसे इसका है वो किया जाता है, ठीक है। ये मान लो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद में 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश ये भी सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। उसके बाद में ये होगा जो जहां पे है वो अभी है, अभी उच्च न्यायालय, अभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य
न्यायाधीश, ठीक है, तथा जहां स्थानांतरण होगा वहां के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। परामर्श राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसका है वो ध्यान में रखना है कि प्रोसेस क्या है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड कंसेप्ट बेस्ड पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपने देखा था कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रावधान तो है आर्टिकल 222 में दिया गया, ठीक है। सीजीआई और सलाह पर है वो राष्ट्रपति द्वारा है नियुक्ति की जो स्थानांतरण किया जाता है। तो इसमें ये होता है कि मुख्य न्यायाधीश, पहला पॉइंट मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। दूसरा, चार वरिष्ठतम न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट के होंगे, ठीक है। तीसरा है कि जहाँ पे अभी जो जज वर्तमान में कार्यरत है, जिस जज का है वो ट्रांसफ़र करना है, जहाँ पे जिस हाई कोर्ट में वो अभी है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ए डिस्ट्रिक्ट में है वो, जो ए स्टेट में है वो जो न्यायाधीश है वो काम कर रहा है, ठीक है, और बी स्टेट में है उसका स्थानांतरण होना है। तो ए स्टेट के मुख्य न्यायाधीश और बी स्टेट के मुख्य न्यायाधीश, इन दोनों का भी परामर्श लिया जाएगा। फोर्थ ये है कि जहाँ ट्रांसफर होना है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके फिर है वो राष्ट्रपति द्वारा है वो स्थानांतरण किया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है जब स्थानांतरण किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब पढ़ते हैं हम आर्टिकल, इसके आगे वाला आर्टिकल 223, ठीक है। आर्टिकल 223 में ये है कि मान लो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे हो जाएगा पद रिक्त, पद रिक्त होना, ठीक है। अब मान लो पद रिक्त होता है तब वहाँ पे है वो कार्यकारी जजेस को है वो नियुक्त किया जाता है, यानी पद यहाँ पे रिक्त की बात की गई, ठीक है। जब पद रिक्त होता है तब है वो कार्यकारी न्यायाधीश की है वो आप नियुक्ति कर सकते हो, इससे संबंधित है वो, इसमें प्रावधान है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्यकारी न्यायाधीश, ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीश जब है वो पद रिक्त हो तब कार्यकारी न्यायाधीश की है वो नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो अब मान लो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो नियुक्ति का ध्यान रखना राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा है वो इसकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त हो तब कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा है की जाएगी, ठीक है। ये आर्टिकल है 223 के तहत है वो वर्णन किया गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम आर्टिकल 224, ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि हमने पढ़ा है 223 के तहत है, ठीक है। 223 के तहत है वो कार्यकारी, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और अब दो सौ चौबीस में पढ़ेंगे तो वो होता है कि जब आपको मान लो कहीं वर्कलोड बढ़ जाए, ठीक है, काम बढ़ जाए और वहाँ पे जजेस की संख्या है वो कम हो, तब अस्थायी तौर पे है वो जिन जजेस की नियुक्ति की जाती है वो आर्टिकल 224 के तहत है प्रावधान आएगा। उच्च न्यायालय में कार्यों के अधिक होने के कारण तथा न्यायाधीशों की संख्या कम होने पर अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ठीक है। अब इसमें मान लो ये चीज़ कही गई है कि उच्च न्यायालय के कार्यों में अधिकता होने के कारण तथा
न्यायाधीशों की संख्या में कमी होने के कारण अस्थायी न्यायाधीशों के है वो नियुक्त किया जाता है। अब ये चीज़ है 224, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अस्थाई तौर पर 2 वर्ष हेतु नियुक्त, ठीक है। अब ये चीज़ इसमें है, वो मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो आर्टिकल 224 के तहत किया हमने देखा है कि उच्च न्यायालय के कार्य में अधिकता होने के कारण तथा न्यायाधीशों की संख्या कमी होने के कारण यानी वर्कलोड अगर बढ़ जाता है उसमें जो अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा और ये 2 वर्ष के लिए की जाएगी, ठीक है। ये चीज़ को है वो ध्यान रखना, 2 वर्ष के लिए वो अस्थायी तौर पर है वो इसकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 224 के तहत है वो क्या प्रावधान किया गया था, ये चीज़ कही गई थी, तो इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। और उसके बाद में देखेंगे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद और है जिसमें कि इससे अगला वाला है जो कि राज्य विधानमंडल क्या कर सकती है हाई कोर्ट के लिए, उससे संबंधित है वो प्रावधान है आर्टिकल 225, ठीक है। तो ये होता है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या अधिकारिता क्षेत्र में राज्य विधानमंडल वृद्धि कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या अधिकारिता क्षेत्र में अधिकारी क्षेत्र में अधिकारिता क्षेत्र में राज्य विधानमंडल है वो वृद्धि कर सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, कमी नहीं करना, कमी नहीं कर सकता है। यानी विधानमंडल है वो उच्च न्यायालय के जो अधिकारिता क्षेत्र है उसमें वृद्धि तो कर सकता है लेकिन कमी नहीं कर सकता, इस चीज़ को है वो ध्यान में रखना। कहीं कुछ नहीं जाए कि अधिकारी क्षेत्र में राज्य विधानमंडल वृद्धि और कमी दोनों कर सकता है, नहीं, वृद्धि कर सकता है, शक्तियों को बढ़ा सकता है, अधिकारी क्षेत्र में है वृद्धि कर सकता है लेकिन कमी नहीं कर सकता, इस चीज़ को है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 226, ठीक है, इसको बोलते हैं रिट अधिकारिता क्षेत्र, रिट अधिकारिता क्षेत्र। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं रिट अधिकारिता क्षेत्र। रिट अधिकार क्षेत्र में ये होता है कि राज्य उच्च न्यायालय को है रिट जारी करने का, और इसके समानांतर देखा जाए आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत है उच्चतम न्यायालय को है वो रिट जारी करने की है वो शक्ति दी गई है और मूल अधिकारों का संरक्षण इसी आर्टिकल के तहत किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो शक्ति व्यापक किसको प्रदान है या नहीं उसके बारे में देखते हैं, तो इसको एक न्यू स्लाइड लेके समझ लेते हैं कि जो शक्ति है वो व्यापक किसको प्रदान है। तो बात की जाए आर्टिकल 226 मूल अधिकारों एवं अन्य अधिकारों के लिए रिट लगाई जा सकती है, ठीक है। इसमें ये कि मूल अधिकारों एवं अन्य अधिकारों के लिए हो रिट लगाई जा सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस आ सकता है तो उसका ये ध्यान रखना, रिट के
क्षेत्र में उच्च न्यायालय का क्षेत्र व्यापक है। ठीक है, अब क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत केवल मूल अधिकारों पर रिट लगाई जाती है, परंतु आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए रीट जारी करने की शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ को ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने बात की थी कि रीट के क्षेत्र में है वो उच्च न्यायालय का है, वो क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत है वो केवल मूल अधिकारों पर रीट लगाई जा सकती है, पर तो आर्टिकल 226 के तहत है वो मूल अधिकारों के साथ साथ है वो अन्य अधिकारों के लिए वो रीट जारी करने की शक्ति है। तो इस आधार पर है उच्च न्यायालय को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये कुछ आज प्रावधान देखे थे हमने उच्च न्यायालय से संबंधित, और होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।